हेलो गाइस, मैं हूं कीर्तन एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको लेके चलने वाला हूं इंडियाज हॉटेस्ट डेस्टिनेशन पे, तो लेट्स रॉक। ऑल सेट फॉर लेह लद्दाख। मुंबई एयरपोर्ट पे आ गए हैं हम, यहाँ से फ्लाई करेंगे दिल्ली के लिए और फिर दिल्ली से लद्दाख के लिए। तो दिल्ली में आई थिंक बस सिर्फ 1 आवर का स्टॉप रहेगा, उसके बाद हम लोग लद्दाख के लिए जाएंगे। सो देखते हैं आगे। मेरा हो तेरे सामने बना ले मुझे आईना, मेरे हर लफ्ज का तू ही एक मायना। मैं रहूं तेरे सामने बना ले मुझे आईना, कि मेरे हर लफ्ज का तू ही एक मायना। तू चाहे और ये हम लेन कर चुके हैं ले में, और अब हम निकलेंगे अपने होटल की तरफ। और ये है यहाँ का व्यू, और आई थिंक ये नया एयरपोर्ट बन रहा है। बाहर निकलने में कम से कम 2 घंटे लग गए हमें, सो इतना टाइम पहले से लेके चलना पड़ता है। बस देखिए बहुत ही अमेजिंग व्यू है ये, अमेजिंग। लेट्स गो। क्या यार, मतलब यार 2 साल तक हम लोग घर पे बैठे हैं, उसके बाद जब हम बाहर निकलते हैं ट्रैवल करते हैं तो सबको देखते हैं मास्क पहने हुए। मतलब अब इंसान इंसान नहीं रहे, सब एलियन ही बन गए। आई मीन क्या हो सकता है यार, अब ह्यूमन ब्यूटी देखे तो देखे कैसे। चलो कोई बात नहीं, ह्यूमन ब्यूटी ना सही, नेचर ब्यूटी तो देख सकते हैं ना। हाँ, ब्यूटी की बातें तो हो चुकी, अब काम की बातें करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, मैं ये आपको बता रहा हूँ। 2-3 तरीके हो सकते हैं। कई लोग आते हैं जो मनाली से बाइक लेके आते हैं, कई लोग आते हैं डायरेक्ट पैकेजेस पर बुक करके आते हैं, और कई लोग जो होते हैं वो खुद ही, जैसे कि हमने होटल्स भी खुद किया है, टैक्सी भी खुद किया है, और सारी चीज़ें हम लोगों ने खुद किया है। उससे क्या हेल्प मिलती है कि हाँ, बहुत ही सस्ते में ये चीज़ें हो सकती है और पैसे ज़्यादा बर्बाद नहीं हो सकते। तो मैंने होटल MMT से किया हुआ है और खुद ही कैब खुद ही बुक की हुई है, तो बहुत ही कन्वीनियंट हो गया। तो आगे कैसे हुआ है, कब क्या कितने में पड़ता है, आपको सबसे अच्छा क्या पैकेज पड़ेगा, मैं आगे अब आपको बता दूंगा। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं अपना रूम देखने और होटल देखने। चले तो मैं अब आपको हमारे होटल का आउटलुक दिखाता हूँ, आ जाइए। बहुत ही अमेजिंग है। तेरे करीब आ रहा हूँ, खुद से मैं दूर। और ये है हमारे होटल का रेस्टोरेंट। आते ही हमने यहाँ पे लंच किया था, बहुत ही अमेजिंग था। उस टाइम पे मैं वीडियो बना नहीं सका क्योंकि बहुत भूख लगी थी, तो हम लोगों ने पहले खाना खा लिया, सोचा नहीं उस टाइम पे वीडियो बनाने का। लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम जब भी हम ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे या लंच कर रहे होंगे, तब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कितना अमेजिंग यहाँ का खाना होता है, मतलब टेस्टी। आइए मैं आपको पहले ही लम्हे में है बेकरारी सी, आगे क्या होगा।
दिल को सुकून चाहिए। तो ये है लेका मार्केट। आप दिन में तो बहुत अच्छा दिखता ही है, लेकिन रात को भी बहुत अच्छा दिखता है बिकॉज ऑफ लाइटिंग एंड एवरीथिंग। अच्छी फीलिंग आ रही है, मज़ा आ रहा है। यहाँ पे आपको बड़े बड़े शॉप्स तो मिल ही जाएंगे, मतलब स्टोर्स वगैरह, पर उसके साथ साथ में स्ट्रीट क्लोथ्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि गर्म कपड़े, और ठीक ठाक ही रेट है इन सब के। ज़्यादा अब अगर आप इसको बार्गेनिंग करोगे तो शायद सस्ते में मिल भी जाएंगे। ठीक ठाक रेट है, अच्छे हैं गर्म कपड़े। तो यहाँ से हम लोग शॉल खरीदने का सोच रहे हैं। 500 का बोल रहे हैं, आई डोंट नो कितने में देंगे, ट्राई करते हैं। शॉल बहुत अच्छी है क्या? हाँ बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है। और ये भी बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक कलर है, काफी वैरायटीज है। बाकी सारी चीजें भी बहुत अच्छी है। राहत घूम बेचारा एक वारिया। फाइनली आज का दिन खत्म हुआ। आज ज्यादा कुछ करना नहीं था क्योंकि आज रेस्ट डे था, फिर भी हम लोग मार्केट गए, मार्केट से कुछ सामान भी खरीदे हम लोगों ने, मजा आया। आज का दिन तो खत्म हो गया। अब कल लेके आसपास कुछ खास जगह है, जैसे कि शांति स्तूपा, ले पैलेस, संगम पॉइंट, मैग्नेटिक हिल, तो ये सारी जगह हमें कल कवर करनी है। तो कल ये सब चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। थक भी गए हैं, अब बस आज का दिन यहीं पे ख़त्म, सो जाते हैं।